हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और यहाँ हम आज एक करंट रिलेटेड एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको लाल ग्रह के बारे में। ठीक है, जो अभी अभी नासा ने मार्स मिशन लॉन्च किया है उसके बारे में इसको जानेंगे विस्तार से, इसमें क्या क्या है और बहुत कुछ इसमें नया आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, अच्छी तरह सुनिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी एग्ज़ाम्स के लिए। अब जानेंगे हम कि मार्स मिशन का हिस्ट्री क्या है, उसका ज्योग्राफी क्या है, पूरा बैकग्राउंड क्या है, वो हम सब कुछ जानने की इसमें कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, जो मार्स मिशन है हमारा, यानी कि इसको हम एक और जो इसका नाम रखा गया है वो है इनसाइड। ठीक है, हम जानेंगे इसमें क्या है, क्यों ये लॉन्च किया गया है, क्यों है। और ये आपको इसकी फ़ोटो दिख रही है यहाँ पर, इसकी तस्वीर आपको दिख रही है, कितना बड़ा है ये। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एग्ज़ाम्स में इसका क्या रोल हो सकता है, वो भी हम देखेंगे इसमें। मंगल पर इनसाइट, इनसाइट का अर्थ क्या है, शब्द है ना इनसाइट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस सब को अगर मिलाया जाए तो क्या कहलाता है? इनसाइट। मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए, कि भाई मंगल जो ग्रह है वो एक पथरीला ग्रह है, हम सब जानते हैं, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, मतलब उसके अंदर क्या है, उसका अध्ययन करने के लिए बेसिकली ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है। और मैं अभी आपको डिटेल में भी कुछ दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी क्या क्या इस मिशन में है। इसे इस मिशन के बारे में समझें तो ये देखिए, मार्स है, हम सब जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से। और जब ये लाल ग्रह के नाम से इसको जानते हैं तो इसमें ठोस और द्रव, भाई जो ग्रह है, ग्रह तो है, और हम सब जानते हैं कि 60s के टाइम के समय से, 1960 65 70 के दशक में हमें पता लग चुका था कि एक ये पथरीला ग्रह है। ठीक है, चट्टानों से बना हुआ ग्रह है, लेकिन पृथ्वी भी तो चट्टानों से बनी हुई ग्रह है एक, लेकिन क्या पृथ्वी के अंदर द्रव्य नहीं है? भाई हमने पता लगा लिया पृथ्वी के अंदर कोर में क्या है, लेकिन मास में अब तक ये पता नहीं लगाया गया है। और ऐसी पता लगाने की जिज्ञासा बनी क्यों, जाहिर कैसे की गई? क्योंकि मास जो है, चंद्रमा जो है, ये सॉरी मंगलयान ग्रह जो है हमारा, इसके ऊपर जो आपकी जो प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती है ना, कोई वातावरण टाइप का, तो उसको आप बोल सकते हो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे सेम पृथ्वी पर वातावरण बदलता है वैसे यहाँ पर बदलता है। हालांकि ये सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले अधिक दूरी पर है, इसका डिस्टेंस काफ़ी अधिक है, इसलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस में आ जाता है, वरना इसकी जो भौगोलिक दशा है वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह मानी गई है। तो इस वजह से ये आशा जताई जा रही है कि मार्स पे क्या जीवन संभव हो सकता है। अब अगर जीवन संभव हो सकता है तो वो किन दशाओं में हो सकता है? तो इसी सब बातों को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए नासा ने मानव इतिहास में 8वीं बार स्पेस क्राफ्ट उतारने में कामयाबी हासिल की है। और जो जो स्पेस क्राफ्ट उतारा गया है, ये ऐसा नहीं कि भाई आप वहाँ गए और आपने उतार दिया, नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि 6 महीने के अंदर तकरीबन 48.2 करोड़ किलोमीटर की यात्रा के बाद, ठीक है, ये मार्स मिशन, और जब ये मार्स मिशन लॉन्च था, मतलब अपनी यात्रा कर रहा था, तो उस समय में इसको एक दूसरे सैटेलाइट के थ्रू फॉलो किया गया था। अब ऐसा नहीं बिल्कुल उसके पीछे भी चल के फॉलो करेगा, नहीं, काफ़ी दूरी से फॉलो किया गया था। वो सैटेलाइट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं उसको नाम हम आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक, वो आप खुद से सर्च करिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो और भारतीय टाइम के अनुसार अगर हम इसको देखें तो 1:24 पे, ठीक है, मंगल मिशन जो है वो पहुंचा, यानी कि इनसाइड मिशन जो है वो मंगल पे पहुंचा। अब ये टाइम कोई इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही इसी टाइम को हम लेके चले, केवल हम इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब जो हम इसकी बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, पहले मैं आपको बता दूं कि मंगल ग्रह के अपने अलग दो चंद्रमा हैं, एक है फोबोस, एक है डिमोस। ठीक है, और ये जो दो चंद्रमा हैं अपने, ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के चंद्रमा से बहुत अलग हैं, पृथ्वी का अपना एक चंद्रमा है लेकिन मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है, और ये पृथ्वी के चंद्रमा से बहुत ही अलग है। और ये जो मिशन लॉन्च किया गया है बेसिकली
24 महीनों का मिशन है, और 24 महीने के मिशन के अंदर ये क्या करेगा, जो मंगल ग्रह है उस पे जाकर के ये ड्रिलिंग करेंगे, और ड्रिलिंग में देखेंगे भाई तकरीबन कि जो आप भूकंपित तरंगे होती हैं, ठीक है, उसको नापने का जो यंत्र होता है उसके द्वारा, सिस्मोग्राफी जो यंत्र है उसका, उसके द्वारा ये पता लगाएंगे कि भाई कितने गहराई में जा करके, मतलब मास का जो कोर एरिया है, अंदर जो गहराई है उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या वो अंदर तो पूरा ठोस है, उसमें कुछ लिक्विड तो नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पर है भाई हमारे जो अर्थ है उसका अगर आप कोर में जाएंगे तो आपको ठोस भी मिलेगा, ठीक है, वाटर भी इसमें है और कुछ जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इस प्रकार से वहां पर भी खोजा जा रहा है कि भाई कौन से मटेरियल, कौन से मिनरल्स वहां से मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इन सबको पता लगाने के लिए मिशन बेसिकली लॉन्च किया गया है। देखिए ये इसका एक, और इसका पूरा का पूरा मैंने यहाँ दिखाया गया है डायग्राम में, ये इसमें सौर पैनल लगे हुए हैं, और जैसे ही ये मिशन लॉन्च हुआ, सबसे पहली बात तो मिशन लॉन्च होने में एक बहुत बड़ी कामयाबी कैसे लगी कि भी हासिल की गई है, हम कह सकते हैं कि अब तक मिशन जो इजीली जाते थे लॉन्च होते थे, लेकिन ये एक ऐसा मिशन था जिसमें पैराशूट और ब्रेकिंग इंजन की मदद से रफ्तार को कम किया गया। मतलब आप जैसे कभी देखा होगा आपने कोई सैटेलाइट या फिर कोई भी उल्कापिंड हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक, और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें जाते तो आग लग जाती है, और जब ये जो मिशन है, ये इनसाइड जो मिशन है, जब ये जा रहा था चंद्रमा की तरफ तो इतना स्पीड से तकरीबन 20,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी, तो ऐसे स्पीड में ये समझ लीजिए आपकी जो स्टील होता है वो भी मेल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि ये सुरक्षित वहां पहुंच जाए। और ऐसा नहीं है कि अगर सोचे 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये मास पे जाएगा तो वहां जाते ही वो कहते हैं विस्फोटक की तरह रहेगा भाई, विस्फोट कर देगा वहां जा करके, तो ये मिशन तो बेकार हो जाएगा। तो 20,000 पर किलोमीटर की जो स्पीड थी उसे पैराशूट और ब्रेकिंग इंजन की मदद से रफ्तार को कम किया गया, और रफ्तार को कम करके ये जो हाइपरसोनिक स्पीड थी उस हाइपरसोनिक स्पीड से एकदम लो स्पीड, यानी कि आप कह सकते हो कि बैलगाड़ी की स्पीड, अब सोचते हो आपकी बैलगाड़ी कितना धीमे चलती है और 20,000 पर किलोमीटर की जो स्पीड होती है, पर किलोमीटर आवर की जो स्पीड होती है वो कितनी अधिक होती है, तो इतनी बड़ी स्पीड से बैलगाड़ी की स्पीड पर लाना बहुत बड़ी बात थी। तो उस प्रकार से इसको लाया गया। और इस मिशन में देखिए ऐसा नहीं है केवल कि ओनली नासा ने ये मिशन, नासा ने किया है ये, लेकिन इस मिशन में आपका यूरोपियन एजेंसी, ठीक है, जापान हो गया, सॉरी जापान नहीं कहूँगा यहाँ पर, यूएसए तो है ही, और आपका जर्मनी हो गया, तो ऐसे मिला करके तकरीबन 10 साइंटिस्ट की एक टीम बनी है, 10 साइंटिस्ट से भी ज़्यादा की एक टीम बनी जिन्होंने मिल करके मिशन लॉन्च किया है। और इसके जो मुख्य जो खास वैज्ञानिक थे उनका नाम है ब्रूस बैटन, और ब्रूस बैटन ने यहां पर कहा कि यह एक टाइम मशीन है। अब क्या नाम दिया इसको, टाइम मशीन। तो टाइम मशीन क्यों नाम दिया है, देखिए उनका मानना है कि 4.5, ठीक है, अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी, ठीक है, तो उस टाइम पर हम मंगल ग्रह, पृथ्वी, ठीक है, ये सब ग्रह तो बन गए, लेकिन ये बने कैसे, शायद इसका पता लगाया जा सकता है अगर यहाँ पर हम मास जो है उसको अच्छी तरह समझ ले, मंगल ग्रह का दिन अच्छी तरह कर ले, तो हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के बनने की जो उत्पत्ति हुई है किस प्रकार से हुई है, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि एक टाइम मशीन का भी नाम इसको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं देखिए जो ड्रिलिंग हो रही है यहाँ पर, ये ड्रिलिंग का दिखाया जा रहा है इसमें, यहाँ से ड्रिलिंग का ये पार्ट है, ये 16 किलोमीटर, यानी सॉरी 16 फिट, मैंने किलोमीटर बोल दिया उसको हटाइए, 16 फिट, ठीक, तो 16 फिट ड्रिलिंग की जा रही है मंगल ग्रह की सतह पर। और ये ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह के कोने कोने में हर जगह जाकर के ड्रिलिंग करेगा, नहीं, ये एक फिक्स मिशन है, एक जगह पर चला गया 24 महीने पर उसी जगह रहकर उसको काम करना है, वहीं पर ड्रिलिंग करेगा, वहीं से ये आपको डिटेल सेंड करेगा पृथ्वी पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, और अब तक के इतिहास में देखा जाए तो सबसे बड़ा मिशन ये माना जा रहा है ड्रिलिंग के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी ड्रिलिंग 16 फीट तक की ड्रिलिंग किसी भी ग्रह पे पहुंच करके नहीं की गई। थोड़ा सा मैं इसमें आपको कुछ और यूनिक डिटेल देना चाहूंगा, जैसे देखिए सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर आपका खास तौर पे काम क्या करता है,
वो आपका जो अर्थक्वेक होता है यानी कि जो पृथ्वी में तरंगे निकलती हैं, भूकंपी तरंगे, उनको नापने का काम करता है। तो मास में भी जो इस प्रकार की तरंगे हैं उनको नाप करके अध्ययन करेगा कि अंदर जो मटेरियल अवेलेबल है वो किस टाइप का है, कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं हमारे वो यूज के लिए है नहीं है, तो इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करेगा। देखिए इनसाइट ने इलिशियम प्लेनिशिया, ठीक है, एक सपाट स्थान जहां सिस्मोमीटर लगाना आसान था उस पर लैंड किया, मतलब एक जगह देखी गई। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो मास है मंगल ग्रह जो है उस पर कहीं पर्वत भी हैं, कुछ घाटियां भी बनी हुई हैं, तो कहीं पर भी ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर भी जाओ और जाकर कर लगा दो सिस्मोमीटर, नहीं, कोई एक जगह देखी जाएगी तो उसी जगह का नाम क्या लिया गया इसमें, इलिशियम प्लेनिशिया। तो उस जगह पर सिस्मोमीटर लगाया गया जिससे कि वहां पर वो भूकंप की जांच कर सकेंगे आराम से कि किस प्रकार से इस ग्रह पर मिनरल्स मिल सकते हैं, फिर अंदर इसमें क्या क्या है। ये देखिए यहां पर ये अर्थ है आपका और जहां से ये मंगल ग्रह आपका दिखाया गया इसमें। अब थोड़ा सा ये लोग ये तो जो डिटेल्स है आप खुद स्टडी कर सकते हो, इसलिए मैंने आप यहां पर दिया है, बाकी मैं आपको कुछ और डिटेल्स जो इसके बारे में देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसमें भारत के बारे में कि भारत का मंगल मिशन को लेकर के अब तक क्या नजरिया रहा है। देखिए ये बात समझ लीजिए कि भारत 24 सितंबर 24 सितंबर 2014 में मंगलयान 1, ठीक है, मंगलयान 1 लॉन्च किया भारत ने, और वो इतिहास का पहला ऐसा यान था जिसने एक ही बार में मंगल की सतह पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इससे पहले भी बहुत से देशों ने मिशन लॉन्च करने की कोशिश की थी, बहुत से देशों ने लॉन्च भी किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया था पहले प्रयास में। तकरीबन 51 मंगल मिशन भेजे जा चुके हैं जिनमें से अब तक तकरीबन 21 से 22 ही सफल हुए हैं, और खुद यूएसए जिसने इनसाइट भेजा है उसने 5 पहले के अभियान जो भेजे थे वो सारे के सारे फेल हो गए थे। जापान ने जब अपना पहला मिशन लॉन्च किया था मंगल के लिए तो वो मिशन तो ये समझ लीजिए आपकी रास्ते में ही बेकार हो गया, क्योंकि फ्यूल उसका खत्म हो गया, ईंधन की कमी की वजह से वो रास्ते में ही बेकार हो गया। तो इस मामले में बोला जा रहा था कि जो भारत है, भारत पहला ऐसा देश बना और वो एशिया का भी पहला ऐसा देश है जिसने मंगलयान को पहुंचा दिया मंगल की सतह पर एक ही बार में। और एक और खास बात, अगर हम इसको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से भी देखें तो एक और खास बात इसमें क्या है कि तकरीबन 450 करोड़ यानी कि 450 करोड़ की लागत से ही भारत ने मंगल मिशन पहुंचा दिया मंगल ग्रह पे। ये जो लागत है वो यूएसए के द्वारा भेजे जाने वाले एक सैटेलाइट के 10वां भाग समझ लिया, मतलब इतने सस्ते में हम लोग एक कामयाबी एक ही बार में हमने हासिल कर ली, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से जो और कंट्रीज हैं वो सब क्या कर रहे हैं कि भाई मिल करके हमें अपनी सैटेलाइट देते हैं लॉन्च करने के लिए, जिससे हमें इकोनॉमिकली बिल्डअप अपने आप को करने में एक फायदा मिल रहा है। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकते हैं दूसरे देशों से, हम इस प्रकार से अपने देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं उनको अट्रैक्ट करके। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में दिखाई गई जो अर्थ है, अर्थ से मंगल, देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर था, इसके बारे में मैं भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस किन किन देशों ने मिलकर और ये किस प्रकार से बनाया है, इन सब के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। और यहाँ पर देखिए ये स्पेस सिस्टम जब लॉन्च हो रहा था इंसाइटर तो इस प्रकार से दिखाया गया, ऑर्बिट है, लैंडर, ये इसका लैंडर है, तो इस प्रकार से स्पेस लॉन्चर जो सिस्टम था सब इसके द्वारा इन पर नज़र रखी गई थी। और देखिए यहाँ पे ओरिजन है, ये सोलर इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, यहाँ सब चीज़ें आपको एक एक करके मैंने हमने यहाँ पे दिखाई हैं, तो इससे आपको नॉलेज मिलेगी किस प्रकार से स्पेस में वर्क होता है। देखिए ये जो यान है इस यान को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग वायुसेना बेस से, ठीक है, एटलस V रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे दिलचस्प बात क्या है कि यह पश्चिम तट यानी जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है
उससे लॉन्च किया जाने वाला पहला मिशन है। और क्योंकि इससे पहले जितने भी मिशन लॉन्च किए जा रहे थे वो सभी के सभी ईस्टर्न घाट से लॉन्च किए जा रहे थे, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट से लॉन्च किए जा रहे थे। तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई आप पहले एक ईस्टर्न कोस्ट से लॉन्च कर रहे हो अमेरिका के, और फिर आप एकदम से वेस्टर्न घाट पर पहुंच जाओ, वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंच जाओ, तो ऑटोमेटिक लगता है कि वो कहते हैं कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। लेकिन उन सबको मैनेज यहाँ पे किया गया, इसलिए भी खास मिशन है। और बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये वेस्टर्न कोर्स से लॉन्च किया गया मिशन है, ईस्टर्न से नहीं। देखिए यहां पर दिलचस्प बात मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और दे देता हूं। एक तो भारत जो है वो मंगलयान 2 लॉन्च करने वाला है, और ये लॉन्च कब वो करेंगे, 2021 से 22 के बीच में मंगलयान 2 लॉन्च करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे पता लगाने की कोशिश करेंगे भाई मंगल जो ग्रह है उस पर किस किस प्रकार का जीवन उपलब्ध है, किस किस प्रकार की दशाएं वहां देखने को मिल सकती हैं। और यहां पर देखिए मंगल ग्रह अपने आप में भी खास क्यों है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है सौर मंडल का, यूनिवर्स का पूरे, उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, वो भी मंगल ग्रह पे ही है। और सबसे बड़ी घाटी, ठीक है, वो है वेल्स मेरिनेरिस, ठीक है, वो भी इसी ग्रह पे है। तो इस वजह से भी मंगल बहुत अपने आप में खास है, और ऐसा नहीं कह सकता कि आप मंगल को इग्नोर कर दें, मंगल को इग्नोर भी कभी नहीं कह सकता, चंद्रमा इसके कितने, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इन सब बातों को लेकर के मंगलयान बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, और भारत भी तैयारी कर रहा है अब स्पेस सेंटर में अपने जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें और डेवलप करने की, और सारे देश भारत को देख करके सीखने की कोशिश करें कि किस प्रकार से वो अपने कॉस्ट को कम कर सके, क्योंकि कॉस्ट को कम करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बिना कॉस्ट कम किए आप सभी देशों के मुकाबले एक बाजार जो लगा हुआ है इस टाइम पे, एक बाजार ही हम कह सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो इस बाजार में अपने कदम जमाने के लिए आपको पहले ये साबित करना होगा कि भाई आपका मिशन जो है वो सबसे सस्ता है, आपकी मार्केट सबसे सस्ती है, तभी दूसरे देश आपके पास आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। तो इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छी जो जानकारी मिलनी चाहिए थी मैंने इसमें दे दी है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गॉड ब्लेस यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।